अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अवैज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सनाख़ाने रसूल मुकाबला नातख़वानी। आज दूसरी नशिस्त और हमारे साथ हमारे मोहतरम जजेस साहिबान मौजूद हैं। आज हमें ज्वाइन कर रखा है मोहम्मद सगीर कलयामी साहब ने और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद हफीज़ साहब। मैं दोनों जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और आज के हमारे पढ़ने वाले नातख़वां सनाख़वां जो आज अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और मुकाबला नातख़वानी में एक से बढ़कर एक और पहली पोजीशन के लिए कोशिश करते रहेंगे और कुछ आपके कमेंट और आपके वोट उनका सपोर्ट करेंगे। मैं पहले आज के सनाख़वां को बुलाना चाहूँगा, अब्दुल मुस्तफ़ा सदीकी साहब से मेरी गुजारिश, प्लीज़ आ जाइए। आज के हमारे पहले सनाख़वां अब्दुल मुस्तफ़ा सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? जी, मैं चकलाला स्कीम नंबर 1 से तशरीफ़ लाया जी। और आज हमें क्या कलाम पढ़कर सुनाएंगे हमारे जजेस को, हमारे सुनने वालों को? जी, मैं नात पेश करूंगा, जाकर कोई तैबा में या आका को बताए। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, मत छेड़ सबा मुझको, अभी जख्म हरे हैं, मत छेड़ सबा मुझको, अभी जख्म हरे हैं, ऐसा ऐसा ना हो फिर आँख से आँसू ना हो फिर आँख से आँसू निकलाए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। जी, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल मुस्तफ़ा सदीकी और जिस तरह से इन्होंने कलाम पढ़ा आपके सामने, वोट करके आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट मरहले में इनका पहुंचना आप ही की मदद से मुमकिन हो सकता है। जी, तशरीफ़ रखिएगा। हमारे नए सनाख़वां कैंडिडेट नंबर 2 दूसरे सनाख़वां हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद दानियाल वहीद साहब से मैं गुजारिश करूँगा, प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा। मोहम्मद दानियाल वहीद, कहाँ से हैं आप? मैं सुप्रीम कोर्ट कॉलोनी से तशरीफ़। और आज हमारे जजेस को क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं ऐसा सुनाना। जजेस, इजाज़त है? जी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। ए सब्ज गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता कर,
करना। मुजरिम हूँ जहाँ बरका, महशर में बरम रखना। रुसवाए जमाना हूँ, कमली में छुपा लेना। रुसवाए जमाना हूँ, कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी महबूबे खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। जज़ाकअल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद दानियाल वहीद हमारे साथ मौजूद थे, कलाम आपके सामने उन्होंने पेश किया। वोट करके आप इनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको अगले मरहले तक पहुंचाने में इनकी मदद आपके वोट की सूरत में हो सकती है। तशरीफ रखिएगा। हमारे तीसरे कैंडिडेट, तीसरे पढ़ने वाले मोहम्मद सलीम कादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, प्लीज़ वो कैमरे के सामने आ जाएँ ताकि हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले इनका कलाम सुन सके। सलीम कादरी साहब, कहाँ से आप? जी, मैं तरलज से जनाब। और आज हमारे जजेस को, हमारे सुनने वालों को क्या सुनाने जा रहे हैं? आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जी जजेस, इजाज़त है, बिस्मिल्लाह कीजिए। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई यार बनाया ही नहीं। आप सादो नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे फैलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई यार बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया। जज़ाकअल्लाह, बहुत खूब। जी इंशाल्लाह, मोहम्मद सलीम कादरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खूबसूरत इन्होंने हाज़िरी पेश की। अब आपके वोट इनकी मदद कर सकते हैं अगले मरहले में। अगर आप देखना चाहते हैं तो वोट कीजिए हमारे ऑफिशियल पेज फेसबुक पेज पर 829 न्यूज़, या आप सब्सक्राइब करें और वोट करें हमारे यूट्यूब चैनल 829 न्यूज़ पर। जी तशरीफ़ रखिएगा। हमारे अगले पढ़ने वाले आज के नंबर चार कैंडिडेट मोहम्मद शुएब कादरी से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज़ ज़रा सा आगे आ जाइएगा। मोहम्मद शुएब कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शुएब कादरी, कहाँ से हैं आप? मरीड हसन से। मरीड हसन से हैं, और आज क्या सुनाना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, हमारे जजेस को? बहुत ही खूबसूरत कलाम, मैं चिट्ठियाँ गम दिया नित रोज़ पामा कमली वाले। जी जजेस, इजाज़त है, बिस्मिल्लाह कीजिए।
चिट्ठियां गम दिया नित रोज पावा कमली वाले नू मैं चिट्ठियां गम नित रोज पावा कमली वाले नू जुदाई हाली रो रोके कमली वाले नू जनाबे आमीना जाया हलीमा गोदे बिच पा जनाबे आमीना जाया हलीमा गोद बिच पाया खिड़ा के तर कमली वाले नू खिड़ा के तर गईया ने दो वे मावा कमली वाले नू जज़ाकअल्लाह जी। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शुएब कादरी साहब, कलाम आपके सामने था, वोट कीजिए इनको नेक्स्ट मरहम में अगर आप देखना चाहते हैं, इनको वोट कीजिए, इनकी आप मदद इनके वोट के ज़रिए कर सकते हैं जी, तशरीफ़ रखिएगा। इसके बाद हमारे आज के आखिरी कैंडिडेट इस मुकाबले नात के एक और सनाख्वां हमारे साथ मौजूद मोहम्मद वक़ार कादरी साहब, उनसे मेरी गुजारिश प्लीज़ ज़रा सा आगे आ जाइएगा। आप कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से, सैयद चौक से ताल्लुक है मेरा। और आज हमारे जजेस को ख़ुद को आगे मरहले तक पहुंचाने के लिए हमारे सुनने वालों को कि उनको पसंद आए और वो वोट करें, क्या सुनाने जाएंगे? मैं मदीने पाक के हवाले से बहुत खूबसूरत कलाम है, वो पेश करने की कोशिश करूँगा जी। जजेस साहिबान इजाज़त है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। मोहम्मद वक़ार कादरी साहब थे आज सनाख़ान रसूल मुकाबला नात की दूसरी नशस्त, और दूसरी नशस्त में आपने पांच कैंडिडेट के कलामात सुने, उनकी आवाज़ सुनी, उनका अंदाज़ सुना, हमारे जजेस की बातें सुनी। अब आप किसको आगे मरहले में देखना चाहते हैं एक बार फिर मैं बताता चलूँ, 829 न्यूज़ फेसबुक पेज पर आप वोट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल 829 न्यूज़ के ऊपर आप अपने पसंदीदा नातवां का नाम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुकाबले में एक पार्टिसिपेंट की हैसियत से शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह नई नशिस्त के साथ, नए सनाख्वान रसूल के साथ हम आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। मदीना 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 मदीना।
मदीना।